हेलो एवरीवन, हमारे रिविजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है डिफरेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी सोर्सेज को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि एनर्जी होती क्या है। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी को डिफाइन करें तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क and it is required for life process. This means कि किसी भी काम को करने के लिए जो capacity की requirement होती है, जिस चीज़ की requirement होती है, उसको हम लोग कहते हैं energy. अगर हमको कोई काम करना है तो उसके लिए हमको energy की requirement होगी। बिना energy के हम वो काम या फिर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब ये energy हमको बहुत तरीके से मिल सकती है। हमको heat के form में energy मिल सकती है, हमको power के form में energy मिल सकती है, हम एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर खिसका सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, या फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी मिल सकती है। सो कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट प्रोड्यूस करे, जो हमको पावर दे, जो ऑब्जेक्ट को खिसका सके या फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एनर्जी रिसोर्स। ओवरऑल किसी काम को करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे सब्सटेंस जो वो एनर्जी हमको प्रोवाइड करें उसको हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्स। लेकिन एनर्जी रिसोर्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर ही रहा है। सो किसी भी सोर्स को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तभी मानेंगे जब वो कुछ पॉइंट सेटिस्फाई करे। पहला पॉइंट ये है कि वो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको प्रोवाइड करे या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क वो करे। सेकेंड पॉइंट है कि वो इसलिए एक्सेसिबल हो, मीन्स हमको हर जगह इसलिए अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, ऐसा ना हो कि हमको उसको ढूंढने के लिए या उसको लेने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़े। तीसरा पॉइंट ये है कि वो स्टोरेज उसकी बहुत ईजली हो जाए और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ईजी हो। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इकोनॉमिकल हो, यानी कि ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टाइम हमारा वो ना खर्च करे। सो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर टू क्लासीफाई वॉट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ये सब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो हम अपने एनर्जी सोर्सेज को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दूसरे को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं वो ऐसे सोर्सेज जिनको हम अपने ट्रेडिशनल टाइम से, यानी कि बहुत पुराने समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं, उस एनर्जी सोर्सेज को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए फायरवुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। जैसे फायरवुड का एग्जांपल लें तो जो लकड़ियाँ होती हैं उसको तो हम बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइम से लकड़ी को हीट के लिए यूज़ करते चले आ रहे हैं। कोल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत पहले से यूज़ करते चले आ रहे हैं, इसलिए ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी। वहीं अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, तो ऐसे सोर्सेज जो अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं या जिनको हमने अभी कुछ ही साल पहले इन्वेंट किया है, ऐसे सोर्सेज को हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में भी हमने रिसेंटली कुछ ईयर्स में इन्वेंशन हुआ है, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं, इसलिए इनको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। सो मोटा मोटा जो हम लोग बहुत पहले से जो ट्रेडिशनल टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है होती हैं कन्वेंशनल, और जो अभी डिस्कवर हुई हैं उनको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। अब इन सब एनर्जीज को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि डीकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है। डीकम्पोज्ड मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं और ज़मीन के नीचे दब के डीकम्पोज हो चुके हैं, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनता है। अगर हम इसका प्रोसेस की बात करें कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनता है, सो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो डेड होने के बाद नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से नीचे दब जाते हैं। जब ये डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस चले जाते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी सॉयल, वाटर या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वजह से उन पर बहुत सारा प्रेशर लगता है और उनका टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो
फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, डीजल एक्सेट्रा। और इन्हीं फ्यूल्स को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो ये था हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वेंशनल सोर्स का, दैट इज़ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी भी कहते हैं। ये एनर्जी हमको मिलती है हीटेड सब्सटेंस से, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हीटेड हो, जो कि गर्म हो, उस सब्सटेंस से जो एनर्जी हमको मिलेगी उसको हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं, तो उसमें उस सब्सटेंस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज आपस में मोशन करने लगते हैं, और उस मोशन की वजह से उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। उस टकराहट के कारण, उस कोलिशन के कारण जो एनर्जी हमको मिलती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, एक पॉट है उसमें पानी भरा हुआ है, हमने उसको टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उसको हीट दी, तो उसके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो आपस में कोलाइड करने लगे और आपस में टकराने लगे, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन के फॉर्म में हमको मिली। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। अब नेक्स्ट टाइप की एनर्जी है हमारी, दैट इज हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी को हम लोग हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं। ये एनर्जी यूज होती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम डैम बनाते हैं, उसमें पानी को स्टोर करते हैं। जब डैम ओपन होता है तो पानी एक हाइट से ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगी हुई हाइड्रोलिक टर्बाइंस रोटेट करने लगती हैं। वो हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या करती हैं, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पानी हाइट से गिरा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और जब हमारा जनरेटर इसकी वजह से चालू होता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब इस एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेज। तो हाइडल एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि चीपेस्ट है एंड नॉन पॉल्यूटिंग है। मीन्स इसको इंस्टॉल करने में, इसको यूज़ करने में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर एक बार हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया तो फिर वो हमको कई सालों तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करेगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका वेरी लेस है, और इसको जब चाहे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो हाइडल एनर्जी को इंस्टॉल करने में, या फिर इसके प्लांट को इंस्टॉल करने में हमको 6 से 10 साल का टाइम लगता है, उसकी प्लानिंग करने में, उसके कंस्ट्रक्शन में, और इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको बहुत ज़्यादा हाई होगा। मीन्स इनिशियली जो हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके इंस्टॉलमेंट में, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और हमको कहाँ पे डैम बनाना है ये भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है कि हम डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें। सो ये था हमारा हाइडल एनर्जी। अब नेक्स्ट एनर्जी है हमारी, दैट इज़ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो हम किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करें, या ऑर्गेनिक मटेरियल से जो एनर्जी हमको मिलती है उसको हम लोग कहते हैं बायोमास एनर्जी। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, या फिर क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है। इस एनर्जी को हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या फिर व्हीकल्स रन करने में भी ये एनर्जी हमको काम आती है। अब बायोमास एनर्जी के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, किस किस चीज़ों से हमको ये एनर्जी ऑब्टेन होती है। फिर चाहे वो वुड हो गया, वो चाहे मैन्यूर हो गया, या फिर रॉटेड ट्रीज हो गए, सीवेज हो गया, एंड ट्रीज के कुछ कंपोनेंट्स है। अब इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वुड। वुड से हमको सबसे ज़्यादा बायोमास एनर्जी मिलती है। जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है जो प्लांट्स ने सनलाइट से एब्जॉर्ब की थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल वेस्ट, ये सब भी इस्तेमाल होते हैं फॉर बायोमास एनर्जी। और ये एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हम प्लांट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं, और ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन भी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वो अमाउंट उतनी ही होती है जितनी प्लांट्स ने अपने लाइफ टाइम में एब्जॉर्ब करी थी। इस तरीके से बायोमास एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन में। सो दिस इज बायोमास एनर्जी। अब जो नेक्स्ट टाइप की एनर्जी है हमारी, दैट इज विंड एनर्जी। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि मूविंग एयर, जिसको हम विंड कहते हैं, उससे जनरेट हो। हवा के कारण, विंड के कारण जो एनर्जी हमको मिलती है उसको हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी। अब ये विंड एनर्जी यूज़ होती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें क्या होता है,
जैसा आपको सेटअप दिख रहा है पिक्चर में वैसा एक सेटअप लगाया जाता है। हवा के कारण इसकी जो टर्बाइंस हैं, टर्बाइन की जो ब्लेड्स हैं वो मूव करती हैं। जब ये टर्बाइंस मूव करती है तो इसमें लगा हुआ जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि पावर प्रोवाइड करता है, जनरेटर के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऑफिसेस में, हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में और कई जगह पे यूज़ होती हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग विंड एनर्जी जनरेशन कहते हैं। विंड एनर्जी के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हवा तो हमेशा ही चलती रहती है, इसमें कोई हार्मफुल इमिशन भी नहीं होता जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे। सो इससे हमारे एनवायरनमेंट पे एक अच्छा ही असर होता है। लेकिन इसे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन ये कि विंड एनर्जी के जो फार्म्स हैं वो से हम उनको वहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे विंड हमेशा चलती रहे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे विंड चले, ऐसी प्लेसेस पे ही हम विंड एनर्जी के फॉर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जब कभी विंड ना चले तो उसके लिए हमको एक बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और विंड एनर्जी के फॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड हमको लगता है। और जैसा कि विंड एनर्जी का सेटअप है वो पूरा सेटअप हमारे नेचर से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है, उसकी ब्लेड्स, उसके टर्बाइंस, वो टावर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है नेचर की वजह से। और इसमें वेरियस नेचर फैक्टर्स सच एज रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन जैसे भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो इसको बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये थे हमारे कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब बारी आती है ऐसे सोर्सेज की जो कि रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, उनकी खोज, उनकी डिस्कवरी अभी रिसेंट कुछ सालों में हुई है, और उनको हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर यानी कि सन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी एनर्जी जो हमको सन से मिलती है, सन के द्वारा मिली गई एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि सोलर वाटर हीटिंग, यानी कि अगर हमको पानी को गर्म करना है तो हम सोलर वाटर हीटिंग या सोलर वाटर हीटर का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि हम कुकिंग में भी सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ सोलर कुकर्स। डायग्राम सोलर वाटर हीटिंग का, यह है आपका डायग्राम सोलर कुकर्स का। सोलर कुकर्स में इस तरह का कुछ सेटअप होता है, ये आपकी ग्लास प्लेट है, इसमें लाइट पड़ती है, फिर उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमारा फूड रहता है, इस रिफ्लेक्शन के कारण हमको हीट मिलती है इस बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा इसके अंदर रखा हुआ खाना वो पक जाता है। फिर सोलर ग्रीन हाउसेस भी होते हैं, एंड सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी कि सोलर पावर्स हमारे रूफ टॉप पर इंस्टॉल्ड होते हैं, इसमें फोटोवोल्टिक सेल होती है जो कि हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। और ये सोलर पैनल्स तो आपको हर जगह आपके ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स में, इवन आजकल तो हमारे हाउसेस में भी सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी लगने लगे हैं। सो अब सोलर एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ लिमिटेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं विद एडवांटेजेस। ये जो एनर्जी है ये हमको सन से मिलती है, और सन तो कभी ख़त्म होगा नहीं, सो दिस इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, एंड थर्ड, इट इज़ द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स, क्योंकि सन है वो तो हमेशा रहना ही है और इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं लगने। बट लिमिटेशन इसकी ये है कि जिस दिन सन नहीं निकलता है, स्पेशली इन रेनी डेज या फिर रात के समय में जब सन हमारे पास नहीं होता है, तब हमको सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम दिख सकती है। एंड सोलर पैनल्स को सेटअप करने के लिए हमको लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। सो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स का नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ टाइडल एनर्जी। सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पानी होता है इन ओशियन एंड सीज वो राइज करता है एंड फॉल करता है, जिनको हम टाइड्स कहते हैं, हिंदी में कहें तो लहरें। अब वही पानी जब राइज करता है तो उसको हम कहते हैं हाई टाइड, एंड जब वो पानी नीचे आता है या फॉल करता है तो हम उसको कहते हैं लो टाइड। अब इस हाई टाइड और लो टाइड का जो डिफरेंस है इन सी लेवल, यही हमको टाइडल एनर्जी देता है। अब इस टाइडल एनर्जी को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? हम एक सी के पास एक डैम बनाते हैं जिसमें हमारी टर्बाइन फिक्स होती हैं, वो टर्बाइन कन्वर्ट करती है हमारी टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, एंड फाइनली हम टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर पाते हैं। आपको पिक्चर दिख रही होगी, ऐसा कुछ सेटअप होता है टू ऑब्टेन अ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइडल वेव्स या फिर टाइड्स, जिसको हम कहते हैं टाइड्स, और इन्हीं टाइड्स की वजह से नाम पड़ा, दैट इज टाइडल एनर्जी। अब नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है हमारा, दैट इज वेव एनर्जी। वेव एनर्जी एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो हमारे ओशियन और सीज में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होती हैं उससे हमको मिलती हैं। विंड एनर्जी या ग्रेविटेशनल पुल ओशियन या सी वाटर को हिलाता है तो वेव्स क्रिएट होती हैं, और ये वेव्स से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव एनर्जी कन्वर्शन।
इसके लिए डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं, जैसे कि वेव एनर्जी कन्वर्टर्स। इनमें से कुछ डिवाइसेस फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर और कुछ वेव्स को कैप्चर करते हैं, जबकि कुछ अंडर वाटर रहते हैं और वेव्स का मोशन यूज़ करते हैं। अगर इसकी बात करें एडवांटेज की, तो वेव एनर्जी का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि वेव्स तो हमेशा चलती रहती हैं। इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ओशन कंडीशंस का कांस्टेंट चेंज होना और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट। बट ओवरऑल अगर बात करें वेव एनर्जी की, तो ये एक सस्टेनेबल और क्लीन सोर्स है जो कि फ्यूचर में हमारी एनर्जी नीड्स को मीट करे और हमारी मदद कर सकती है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है हमारी, दैट इज़ ओशियन थर्मल एनर्जी। इसमें हम ओशियन वाटर का यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये प्रोसेस तब होता है जब ओशियन में हॉट सरफेस वाटर और ठंडा वाटर का डिफरेंस जब हम को मिलता है। इसको अगर थोड़ा डीपली समझें, तो पहले जो ओशियन का अपर लेयर होता है जिसमें पानी गर्म होता है, और जो ओशियन का जो डीप लेयर होता है जिसमें पानी ठंडा होता है, इस टेम्परेचर के डिफरेंस को यूटिलाइज करके एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ओटेक। ओटेक यानी कि OTEC मीन्स ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हम कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉट सरफेस वाटर के लिए हीट एक्सचेंजर होता है और दूसरा कोल्ड डीप वाटर के लिए हीट एक्सचेंजर होता है। पहले हॉट एक्सचेंजर वाटर से हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि वर्किंग फ्लूड को गर्म करता है। फिर इस गर्म फ्लूड से टर्बाइन चलाई जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब गर्म फ्लूड को कूल करने के लिए डीप ओशन से ठंडा पानी यूज़ होता है। इस ठंडे पानी से हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिससे वर्किंग फ्लूड को ठंडा किया जा सके। ये ठंडा फ्लूड फिर वापस हॉट सरफेस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस तरह से ओशन थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब एडवांटेज इस एनर्जी का ये है कि एक सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर डिफरेंस तो हमेशा ही रहता है। इससे इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान होता है और ये हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ये सोर्स है हमारा, दैट इज़ जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड थर्मल मतलब होता है हीट, यानी कि अर्थ से जो हमको हीट मिले, अर्थ के कोर से आने वाली हीट को हम कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। और इस हीट का यूज़ हम करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका प्रोसेस समझें तो अर्थ के अंदर जो अर्थ का जो कोर होता है, कोर सरफेस, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस हीट को हम जियो थर्मल एनर्जी के लिए कैप्चर करते हैं। कैसे? हम डीप अंडरग्राउंड वेल्स ड्रिल करते हैं, यानी कि एक गड्ढा खोदते हैं जो तकरीबन 10,000 फीट का होता है या उससे भी ज़्यादा गहरा। जब हम यहाँ से पानी निकालते हैं तो ये वाटर नेचुरली हीटेड होता है, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल कोर से हम निकालते हैं और अर्थ की हीट के कारण ये पानी पहले से ही ऑलरेडी हीटेड होता है। फिर इस हीटेड वाटर को हम ऊपर पंप करते हैं, जिससे वो स्टीम बन जाता है, और फिर ये स्टीम जनरेटर्स में जाके टर्बाइन को चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये हॉट वाटर सप्लाई में भी इसका काम पड़ता है। इसका एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, जैसे कि इससे कोई भी हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल एमिशंस नहीं होते हैं। और अगर बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की या कुछ इसके लिमिटेशंस की, तो इसका लिमिटेशंस यही है कि इसके लिए हमको एक स्पेसिफिक लैंड या फिर एक स्पेसिफिक जियोलॉजिकल लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि साइट्स नियर वॉलकैनोस, क्योंकि वॉलकैनो के पास वाला जो पानी होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जियोथर्मल प्लांट से सक्सेसफुल हो। अब नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है हमारा, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी रिलीज तब होती है जब हम उन दो एटम्स को या तो स्प्लिट करें या तो उन एटम्स को फ्यूज़ करें। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी जनरेशन की, तो हम मेनली दो टाइप्स की प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूक्लियर फिशन एंड दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले डिस्कस करते हैं अबाउट न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक एटम को हम स्प्लिट करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एग्जांपल्स के लिए जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के आइसोटोप्स जो होते हैं, उसके साथ हम न्यूक्लियर फिशन परफॉर्म करते हैं। जब न्यूक्लियस हमारा स्प्लिट होता है तो बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स और फोटॉन्स रिलीज होते हैं और हीट बनाते हैं।
इस हीट पम्प यूज़ करके स्टीम जनरेट करते हैं और फिर स्टीम से टर्बाइन चलाते हैं जिससे फाइनली हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मिलती है। फिर दूसरा प्रोसेस है हमारा, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें दो एटम्स को एक साथ फ्यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेस हमेशा सन के कोर में होती है। जब दो एटम्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करके अभी तक हम लोग प्रैक्टिकली कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा या फिर इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर इसके बात करें कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सो न्यूक्लियर एनर्जी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, और एक मतलब इतना ज़्यादा कि एक छोटे अमाउंट ऑफ फ्यूल से भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल सकती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल में भी हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या इशू फेस करना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे पास इतने सारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, लाइक टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स एंड एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, फिर भी हमारे पास एनर्जी की कमी होती चली जाती है। हम एनर्जी क्राइसिस जैसे शब्द को सुनना पड़ता है। हमको ये भी पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमको तो कोई वरी होनी भी नहीं चाहिए। हम तो उस एनर्जी का यूज़ करके एंडलेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार एनर्जी अगर हमने यूज़ कर ली किसी काम में तो वो एनर्जी वापस से हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमको एनर्जी कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व करें। एनर्जी कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस इतना है क्योंकि अगर हम ऐसे ही एनर्जी को यूज़ करते रहेंगे तो हमारे पास फ्यूचर में सफिशेंट एनर्जी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से ना सिर्फ हम लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं बट एक सस्टेनेबल और एक हेल्दी एनवायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हर इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अपने लेवल पर, एटलीस्ट अपने लेवल पर ही अपने तरीकों से एक एनर्जी को कंजर्व करे, और जिससे कि हम एक सस्टेनेबल और बेटर फ्यूचर में हम जी सकें। अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एक ऐसे रिसोर्स जो कि रीन्यूएबल है जिनको हम वापस से यूज़ कर सकें एक बार यूज़ करने के बाद, उसको हम कहते हैं रीन्यूएबल। तो हम ऐसे सोर्सेज जैसे कि हो गया हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब की हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर ट्रेडिशनल लाइक फॉसिल फ्यूल्स। फिर हम एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशंस लाइक ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं जो एनर्जी को बचाएं। फॉर एग्जांपल हम बल्ब की जगह हम एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अवर ओन पर्सनल व्हीकल। एंड फाइनली हम अवेयरनेस और एजुकेशन हमको दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे सब लोग अपना एनर्जी कंजर्वेशन में अपना योगदान दें जिससे कि हम कलेक्टिवली एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर सकें। सो दिस इज़ द होल चैप्टर। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।